नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 23 जून की ग्रह स्थिति देखते हैं। शुक्र वृषभ राशि में, सूर्य बुध और राहु मिथुन राशि में, चंद्रमा कर्क राशि के हो चुके हैं। ये एक पॉजिटिव बात है। चंद्रमा का स्वगृही होना आपके मन मस्तिष्क और किसी भी चीज की फ्लो को दर्शाता है, जो एक बेहतर कहा जाएगा। केतु धनु राशि में, गुरु और शनि मकर राशि में और मीन राशि के मंगल है, जिसमें मंगल को छोड़कर के सारे ग्रह वक्री हैं। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं और राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते हैं। पांच ग्रह मार्गी और वक्री होते रहते हैं। मार्गी अमूमन मार्गी रहते हैं और वक्री कभी कभी होते हैं। तो पांच में से चार ग्रह इस समय वक्री चल रहे हैं, जो जनमानस के लिए सही नहीं है। लेकिन मंगल का मित्र क्षेत्री और चंद्रमा का स्वगृही होना थोड़ी राहत देने वाली है, बट ओवरऑल खराब समय है। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, मेष राशि की स्थिति थोड़ी शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन घर की स्थिति ठीक है और शरीर का ऑक्सीजन लेवल एंड वाटर लेवल आपका ठीक रहेगा, जिससे जो लोग बीमार हैं या थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम में है उनके लिए थोड़ा सा अच्छा समय यह हो सकता है। शारीरिक स्थिति मंगल, प्रेम की स्थिति मध्यम और व्यवसायिक स्थिति भी मध्यम चल रहा है। लाल वस्तु पास रखें और बजरंग बली के लिए जो भी कर सकते हैं, प्रणाम करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, बजरंग बाण का पाठ करना, ये आपके लिए शुभ होगा। वृषभ राशि, पराक्रमी बने रहेंगे, व्यवसायिक स्तर पर चीजें कुछ संभाल सकते हैं, लेकिन शारीरिक स्तर पर, प्रेम के स्तर पर, मानसिक स्तर पर सही नहीं चल रहा है। बहुत बच के पार करें, मां काली की वंदना करते रहें। मिथुन राशि, मिथुन राशि की स्थिति बहुत संभाल के चलने लायक है। चाहे वो व्यवसायिक मामला हो, प्रेम का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, हर दृष्टिकोण से ये मध्यम समय है। बहुत बचा के पार करें, हरी वस्तु पास रखिए, गणेश जी की वंदना करते रहें। कर्क राशि, शारीरिक स्थिति अच्छी है, मानसिक स्थिति, व्यवसायिक स्थिति, प्रेम की स्थिति आपकी अच्छी चल रही है। मतलब एक कर्क राशि इस समय जो अत्यंत खराब बहुत दिनों से चल रहा था, थोड़ा सुधार की तरफ गया है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार तीनों आपका ठीक चल रहा है, फिर भी कोई रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अभी चंद्रमा जस्ट अभी शुरुआत हुआ है शुक्र पक्ष की, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बट पहले से काफी बेहतर है। बजरंग बाण का पाठ करिए। सिंह राशि, संक्रमण लगातार चल रहा है आपके साथ, क्योंकि राहु सूर्य के साथ है और लग्नेश आपका सूर्य है, तो ये ग्रहण योग अभी चलता रहेगा। सूर्य को जल देते रहे, ताम्र का कोई भी चीज अपने पास रखिए। प्रेम की स्थिति खराब है, बच्चों की स्थिति पर ध्यान दें, व्यवसायिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं चल रही। कन्या राशि, आर्थिक मामले सुलझेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन शारीरिक और प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही। हरी वस्तु पास रखें, लाल वस्तु दान करते रहें। तुला राशि, शासन सत्ता पक्ष से कुछ लाभ मिलेगा, कुछ अधिकारी प्रसन्न होंगे, पैतृक संपत्ति की स्थिति थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन स्वास्थ्य आपका मध्यम है और प्रेम की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। व्यवसायिक तौर पर अभी मध्यम ही चलेंगे। शनिदेव का दर्शन और प्रणाम करते रहें। बस अपना बचाव रखिए, कहीं भी जाइए सरकारी नियम को पालन करिए और अपना बचाव करते रहे। वृश्चिक राशि, भाग्य बस कोई काम बनेगा, धार्मिक बने रहेंगे, पूजा पाठ में भाग लेंगे, शारीरिक स्थिति अच्छी है, प्रेम की स्थिति नहीं ठीक है, व्यवसायिक तौर पे सामान्य है, मां काली की वंदना करते रहे। धनुराशि, चंद्रमा के अष्टम भाव में होने की वजह से जोखिम बढ़ा हुआ है, बचाव पक्ष भी कमजोर है, प्रेम की स्थिति अच्छी है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी दिख रही है, बट व्यवसायिक स्तर पर भी चीजें थोड़ी अभी मध्यम है। पीली वस्तु पास रखें और बजरंग बली को मानसिक तौर पर प्रणाम करते रहें। मकर राशि, मकर राशि की स्थिति अच्छी है, थोड़ा एंजॉय करेंगे, जीवन साथी के साथ नजदीकी आएंगी, प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है,
और शारीरिक स्थिति में मध्यम है, नीली वस्तु पास रखें। कुंभ राशि, विरोधी परास्त हो गए, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, रोग ऋण शत्रु पर भारी पड़ेंगे आप, लेकिन स्वास्थ्य का बचाव करते रहे। प्रेम की स्थिति भी मध्यम है, व्यवसायिक तौर पे ठीक चल रहे हैं, गणेश जी की वंदना करते रहे। मीन राशि, निर्णय लेने की क्षमता में एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है आपकी, प्रेम की स्थिति अच्छी है, लिखने पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम और व्यवसाय आपका ठीक चल रहा है, भाग्य साथ दे रहा है, शिव जी की आराधना करते रहे। नमस्कार।